काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे क्रेडिट लिमिट क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रेडिट लिमिट क्या है। जब हम व्यापार करते हैं तो किसी भी कस्टमर को देखकर या उसकी दुकान देखकर या फिर बाजार में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसे उधार देने की एक ऐसी राशि निश्चित करते हैं कि उस राशि तक का माल कस्टमर को उधार देने के बाद उसके डूबने या फंसने का खतरा ना हो। बस ये निश्चित की गई राशि ही क्रेडिट लिमिट कहलाती है। यदि हम कस्टमर की कोई लिमिट ना बनाएं और उसे कितना भी माल उधार दे दें और वो समय पर हमारा पैसा वापस नहीं करता है तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमने भी किसी से माल उधार लिया है और हमें भी उसे समय पर पैसा देना होगा। पर जब हमारे पास समय पर पैसा आएगा ही नहीं तो हम समय पर देंगे कैसे। बस यही कारण है कि हर बुद्धिमान व्यापारी अपने कस्टमर्स की लिमिट बनाकर ही उन्हें उधार देता है। टैली ने भी हमें इस तरह की सुविधा प्रदान की है। यदि हम टैली में किसी कस्टमर की लिमिट तय कर देंगे तो फिर जाने अनजाने में भी उससे ज्यादा अमाउंट के उधारी के बिल नहीं बना सकते। हाँ, आप चाहें तो नकद में उस पार्टी को कितना भी माल बेच सकते हैं। तो आइए टैली में काम शुरू करते हैं। पहले हम एक नए कस्टमर कृष्णा एंटरप्राइजेस का लेजर बना लेते हैं। देखिए, यहाँ क्रेडिट लिमिट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसके लिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं। अब शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को यस करेंगे। ये देखिए प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अभी ये नो है, हम इसे यस कर रहे हैं और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आ गया है। मान लीजिए हम इस कस्टमर को 50,000 रुपए तक का माल उधार दे सकते हैं तो हम यहाँ पर 50,000 टाइप करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ध्यान रखें, एक बार क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन एनेबल करने के बाद आप अपने पहले से बने हुए किसी भी कस्टमर के लेजर्स में ऑल्टरेशन करके क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं। आइए अब इस पार्टी के कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने कृष्णा एंटरप्राइजेस को 1 फरवरी को सोनी टीवी 20 इंचेस वाले दो नग 22,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से उधार बेचे। आइए इस पार्टी का एक बिल बना लेते हैं। ये देखिए, पार्टी का नाम सिलेक्ट करते ही हमारे द्वारा दी गई क्रेडिट लिमिट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इस तरह हमने कस्टमर का सेल्स वाउचर बना दिया है। 1 मार्च को कृष्णा एंटरप्राइजेस आया और बोला, मुझे सोनी टीवी 20 इंचेस वाले दो नग दे दीजिए। हमने बिल बनाना शुरू किया। ये देखिए, जैसे ही हम वाउचर को एक्सेप्ट करने गए एक एरर आ रही है जिसमें लिखा है कि क्रेडिट लिमिट ऑफ कृष्णा एंटरप्राइजेस 50,000 डेबिट एक्सीडेड, करंट 88,000 डेबिट। इसका मतलब है कि कृष्णा एंटरप्राइजेस की क्रेडिट लिमिट 50,000 से ज्यादा हो गई है और वो अभी 88,000 हो रही है। इसके बाद भी यदि हम एंटरप्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो भी एक्सेप्ट की छोटी विंडो नहीं आती, यानी ये बिल सेव नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप कस्टमर से माफी मांगते हुए कहें कि भाई साहब, आपकी तरफ मुझे पहले से ही 44,000 रुपए लेना है, आप वो मुझे दे दीजिए, तब मैं आपको नया माल दे दूंगा। और दूसरा, यदि आप सोचते हैं कि इस कस्टमर की ओर 88,000 उधार रखने में भी कोई परेशानी नहीं है तो बैकस्पेस की प्रेस करें, अब पार्टी के नाम पर जाएं और कंट्रोल और एंटर कीज को प्रेस करें। ये देखिए लेजर ऑल्टरेशन की स्क्रीन आ रही है।
यहाँ पर हम पार्टी की लिमिट चेंज करके 88,000 कर रहे हैं और अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम मल्टीपल लेजर्स में क्रेडिट लिमिट्स कैसे सेट करते हैं ये भी बता देते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहां से चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए एच प्रेस करेंगे, यहां से लेजर्स पर जाएंगे, यहां मल्टी मास्टर्स के लिए ऑल्टर और एच प्रेस करेंगे। देखिए क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। अब लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से उस ग्रुप पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे जिसके अंतर्गत बने लेजर्स में हम लिमिट सेट करना चाहते हैं। ये देखिए सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में बने सभी लेजर्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आप जिस भी लेजर में चाहें लिमिट डाल सकते हैं या पहले से दी हुई लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। हम अशोक एंटरप्राइजेस को 50,000 रुपए की लिमिट देना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करते हुए उसके लेजर पर जाएंगे। अब क्रेडिट लिमिट वाले कॉलम में 50,000 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यदि आप चाहें तो यहां से किसी भी लेजर में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही यहां से चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री ऑप्शन को भी यस या नो कर सकते हैं। इनके बारे में हम आपको हमारी वीडियो बिल वाइज डिटेल्स में बता चुके हैं। चलिए अब इसे कंट्रोल और ए कीज प्रेस करके सेव कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्रेडिट लिमिट क्या होती है, इसे कैसे सेट करते हैं और इसका क्या उपयोग है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।